पिछले दिन आप समझे थे दूसरा पॉइंट जिसमें आपको ये बताया गया था साइज के बारे में, ठीक है। तो तीसरा देखिए ना, इट गिव्स करके पहला और दूसरा से दो पॉइंट आप पढ़े हैं। पहला था इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट, और दूसरा था इट गिव्स शेप ऑफ सब ऑर्बिट। देखिए तो तीसरा लिखेंगे, तीसरा नंबर लिखिए, इट गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट। एक टर्म होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे ऑर्बिट में घूमने का एंगुलर मोमेंटम होता है वैसे ही सब ऑर्बिट में घूमने के मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला होता है इसका, लिख लीजिए तो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एल से। ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, या इसी को देखिएगा बुक में लिखा हुआ दिखेगा आपको, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच फाई। इसको पढ़ा जाता है एच फाई, सुनिएगा थोड़ा इधर देखिए तो, इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिले इसको क्या पढ़ेंगे, एच फाइव। एक्चुअल में एच फाइव कहें या एच बाई टू पाई कहें, ये दोनों एक ही चीज होता है, तो दोनों तरह से लिखा हुआ मिल सकता। एच बाई टू पाई को ही शॉर्टली लिखा जाता है एच फाइव। चलो देखो यहाँ, अच्छा एक बात बताइए, शांत रहेंगे तो रहा, और एनी एस सब ऑर्बिट हम यदि किसी भी एस सब ऑर्बिट की बात करें, किसी भी एस सब ऑर्बिट का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में भी एस रहता है, सेकंड ऑर्बिट में भी एस रहता है, थर्ड ऑर्बिट में भी एस रहता है, तो हम जब लिखे हैं कि फॉर एनी एस सब ऑर्बिट, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप 1s की बात करें या 2s की बात करें या 3s की बात करें या 4s की बात करें या 5s की बात करें, किसी की भी बात करें, बताइए एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यही ना पिछला दिन बताया गया था, अभी तुरंत हम लोग इस फॉर्मूला पढ़े हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, क्या फॉर्मूला पढ़े बताइए तो, एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, या इसी को हम एच बाई टू पाई को ही एच फाई कहते हैं। तो यहाँ पर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू जीरो प्लस वन एच बाई टू पाई, बताइए ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट है, किसी भी एस सब ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, जीरो। लिखेंगे
अभी हम पढ़ रहे थे फॉर एनी एस सब ऑर्बिट, इसी तरह से फॉर एनी पी सब ऑर्बिट भी तो हो सकता है। बताइए तो पी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू कितना? किसी भी पी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, तो क्या इस पर आप निकाल नहीं लेंगे? निकालिए तो। हम आगे निकाल रहे हैं फॉर एनी पी सब ऑर्बिट, रुकिए 1 मिनट। पी सब ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड ऑर्बिट से ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? 2p और 3p और 4p। किसी के लिए, किसी भी p के लिए बात करें, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, सब के लिए l का वैल्यू कितना? 1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, पहले उसको लिखिए, l इंटू एल प्लस 1 h बाई 2π। तो यहाँ पर एल का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 एच बाई 2π, बताइए कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? √2 h/2π। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, बताइए तो क्या लिख सकते हैं इसको? नीचे जो 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। √2 से √2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? h/√2π। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, तो दोनों लिखा जाता है। आप यदि ये लिखते हैं तो ये भी ठीक है फाइनल रिजल्ट के रूप में, या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं h/√2π, ये भी सही है, ये दोनों रिजल्ट सही है। तो ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अब नीट वाले लोग जो मेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज, मतलब ये पूछा कोई इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में है, आप बताइए उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बताइए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो कर सकते हैं आप, जब डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो डी के लिए तो कोई भी हो सकता है ना जी। डी स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 से, तो हम 3d कहें, 4d कहें, 5d कहें, 6d कहें, सब डी के लिए एल का वैल्यू फिक्स है कितना? तो यहाँ पर एल का वैल्यू फिक्स है, तो आप उसको रखिए, निकालिए, ये लिख लिए थे अभी जो लिखे थे, पहले इसको पूरा कीजिए। तो आप लोग का टाइम यही बढ़िया है कि वो बढ़िया था? हाँ, तो वो बढ़िया भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही टाइम में आना है। था तो था, एक गजब बेइज्जती की बात नहीं है, ठीक बता रहे हैं। चेंज करो इसे, लिखिए तो फॉर एनी डी इलेक्ट्रॉन और एनी डी इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी, हाँ चलेगा, फॉर एनी डी सब ऑर्बिट। सुनो, यदि हम ये लिख दें ना फॉर एनी डी सब ऑर्बिट, या लिख दें फॉर एनी डी इलेक्ट्रॉन, तो वो डी सब ऑर्बिट को ही इंडिकेट करता है, ठीक है? 3d, 4d, 5d, 6d एंड सो ऑन। आप इसके लिए एल का वैल्यू कितना लेंगे? तो यहां पर कैपिटल एल इंडिकेट कर रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, और स्मॉल एल किसको इंडिकेट कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। एल का वैल्यू 0 एस सब ऑर्बिट के लिए, एल का वैल्यू 1 पी सब ऑर्बिट के लिए, एल का वैल्यू 2 डी सब ऑर्बिट के लिए, एल का वैल्यू 3 एफ सब ऑर्बिट के लिए। बताइए ये क्या फॉर्मूला निकलेगा? √L(L+1) h/2π। ये h/2π जो है ना, ये रूट के बाहर है, बताइए तो 2 × 2 + 1 h/2π लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे आगे? 3 × 2, ये हो जाएगा आपको √6 × h/2π। चलिए सुनिए, इधर एक आंसर आप ये लिख सकते हैं, एक दूसरा आंसर और आप लिख सकते हैं, काट उट के निकालिए तो थोड़ा दूसरा क्या वैल्यू निकालिएगा, थोड़ा देखें मैथमेटिक्स आपका कैसा है। कितना? √3
एच बाय, तो रूट थ्री एच बाई रूट टू पाई को ही आप लिख सकते हैं रूट अंडर थ्री बाई टू एच बाई एच बाई पाई, उस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो इसका जो पहले आप यहां तक पहुंचिए तो पाई का वैल्यू 22/7 पाई, बताते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, इसी चीज को हम और करके लिख सकते हैं रूट सिक्स एच फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब आप निकालते हैं ना तो ये बार बार लिखना पड़ता है एच बाई टू पाई एच बाई टू पाई एच बाई टू पाई, तो उसी को सिंबल के रूप में क्या लिख दिया गया एच फाइव, और कोई ज्यादा विशेष बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो बताइए आप ये लिखें या रूट सिक्स एच फाइव लिखें, बात तो बराबर है। इसी का एक और रूप क्या हो सकता है, देखो यहाँ ऊपर रूट सिक्स है, रूट सिक्स इंटू एच लिखते हैं, और नीचे में रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू इंटू फाइव, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। रूट सुनिए पहले, इधर ऊपर रूट सिक्स है नीचे रूट टू है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सिक्स बाई टू, तो वो कट के कितना बचेगा रूट थ्री, तो ऊपर बचेगा रूट थ्री एच और नीचे बचेगा रूट टू पाई, तो इसी को हम चाहें तो ओवरऑल लिख सकते हैं रूट अंडर थ्री बाई टू एच बाई पाई। ये अलग अलग रूप में लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में, हम इसीलिए इतने सारे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो इसी को लिखा जा सकता है रूट अंडर थ्री एच बाई रूट अंडर टू पाई, या इसी को आप लिख सकते हैं रूट अंडर थ्री बाई टू एच बाई पाई। हम ये अलग अलग तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू एक ही है लेकिन तरीका उसका बदला हुआ हो सकता है, जब वो लिखा हुआ मिलेगा तो ये लिखा हुआ मिले तो भी सही है, ये लिखा हुआ मिले तो ये लिखा हुआ मिले तो भी सही है, ये लिखा हुआ मिले तो भी सही है, रूट थ्री एच बाई रूट टू पाई मिले तो भी सही है, और यदि रूट थ्री बाई टू एच बाई पाई मिले तो भी सही है। एक काम कीजिए एफ वाला खुद से निकालिए तो, और ये लास्ट है, कहे कि एफ तक ही आपको काम ही है, एफ से ज्यादा का काम नहीं है, निकालिए खुद से। लिखिए फॉर एनी सब ऑर्बिट, फॉर एनी एफ सब ऑर्बिट, फॉर एनी एफ सब ऑर्बिट, ये 4f हो सकता है, ये 5f हो सकता है, ये 6f हो सकता है, l का वैल्यू 3 होता है, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 1 एच बाई टू पाई। एक तो ये आपको मिल सकता है रूट अंडर 12 एच बाई टू पाई, तो बताओ आप इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट ट्वेल्व एच फाइव लिख सकते हैं, तो एक आंसर मतलब ये सोचिए कि एक ऑप्शन ये भी तो दिया जा सकता है रूट ट्वेल्व एच फाइव, और यदि इसी में काट उठ के देखें तो क्या बचेगा क्या नहीं आप देख लो, रूट ट्वेल्व इंटू एच बाई रूट टू इंटू रूट टू। हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिए हैं, वैसे आप इतना मैथमेटिक्स जरूर जानते होंगे इंटरमीडिएट लेवल में है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट सिक्स लिख सकते हैं क्या, रूट सिक्स एच पाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट थ्री एच बाई पाई, फाइनली ये मिल सकता है क्या। चलो हम और तोड़ देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, रूट टू पाई
इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं रूट थ्री बाय, तो डिफरेंट फॉर्म में ये लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई भी आप चुन लेंगे जो सही ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आपको बताते हैं एक बार आई आई टी 1997 में ये क्वेश्चन पूछा है, अब चूंकि ये आई आई टी 1997 का है बहुत दिन का, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले आप इसको पूरा कर लीजिए फिर हम क्वेश्चन लिखाते हैं। लिखिए तो लिखिए, लिखेंगे और ए डी इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपको कहता है ना फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ही हुआ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किस सब ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर ए, इसका हम सही आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में कि तीन और ऑप्शन था वो ऑप्शन क्या था हमको नहीं पता। इसका ऑप्शन नंबर ए में रूट सिक्स एच फाइव दिया हुआ है, बी नंबर में, अब क्या क्या ऑप्शन था वो एग्जैक्ट हमको याद नहीं, अब हम अनसंट कुछ लिख देंगे, चाहे कि डी इलेक्ट्रॉन का तो यही ना सही आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए आप, रूट सिक्स एच फाइव ही ना सही आंसर था इसका, इधर लिख दो रूट टू एच बाई टू पाई, में रूट टू एच फाइव और डी में नन ऑफ दिस। ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, पता है क्यों बढ़िया होता है, क्वेश्चन देने वाले से भी यदि किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया होगा और ये ऑप्शन दे दिया गया है तो सब कुछ सही कर देता है ये, नन ऑफ दिस में चेक मार दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है आई टी 1997 में, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो बहुत पुराना तो आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्या सही आंसर होगा ई नंबर। पहले होता था, अभी आईआईटी का दो पेपर होता है, एक आईआईटी मेंस होता है और एक आईआईटी एडवांस होता है। 2011 या 12 में ये चेंज आया था, उससे पहले क्या होता था, एक होता था एआई ट्रिपल ई एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और एक होता था आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में क्या किया है, इस दोनों एग्जाम को कंबाइंड करके एक को कर दिया गया आईटी मेंस और दूसरे को कर दिया गया एडवांस, और बोला गया कि जो मेंस क्रैक करेंगे वही एडवांस को एडवांस वाला पेपर दे सकते हैं। तो जो एआई ट्रिपल ही था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, साल नहीं याद है लेकिन ये एआई ट्रिपल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस इलेक्ट्रॉन इच, अब डायरेक्ट इसका सही आंसर बताइए तो हम ऑप्शन नहीं देंगे, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इच, कोई इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में है उसके लिए क्या और वाइटल एंगुलर मोमेंटम हो, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर में जीरो। ऑप्शन क्या देना, हो गया यहाँ तक, अब बता रहे हैं आपको एजीमथल क्वांटम नंबर का लास्ट बात, ठीक है लिखिए, तो इसको लिख लिए क्या, इसको लिख लीजिए पूरा कर लीजिए, हो गया लिखो लिखो, क्या हुआ क्या बोला कुछ नहीं, देखो तुम लोगों के लिए ना, सुनो इधर, तुम लोगों के लिए ये वाला जो टाइम है ना 4 से 5 ये ज़्यादा अच्छा है, क्यों ज़्यादा अच्छा है बताते हैं, हो सकता है आपको दोबारा आना पड़ता हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इस टाइम में 4 से 5 मात्र एक ही बैच रहता है। आप यदि आईआईटी या मेडिकल का पेपर देना चाहते हैं बाद में, जैसे कोई भी चैप्टर समाप्त हो गया तो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या कोई भी पब्लिकेशन का आईटी या मेडिकल लेवल का आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और यदि आप पूछना चाहते हैं तो अभी 5 बजे से हम फ्री रहते हैं, अभी जैसे आपका मात्र एक ही बैच है, यहाँ से निकलेंगे इसके बाद फ्री हैं, तो आपको जो मन हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ऐसा नहीं होगा,
मॉर्निंग में आपका 10 से 11 क्लास रहेगा तो फिर 11 से 12 तुरंत क्लास रहता है, उस समय तो पूछने के लिए जाइएगा तो मन में गुस्सा आएगा, हो सकता है कोनो दिन एकाध लपर दे भी दें, कि फ्रस्ट्रेट रहेंगे हम ऐसे ही गर्मी से, ऊपर से बैच रहता है, माथा का प्रेशर एक अलग लेवल पर आता है। अभी आराम से सो के आते हैं, मन बहुत शांत रहता है, मन से पढ़ाएंगे भी, और जितना लेवल पर पढ़ोगे उतना लेवल पर पढ़ाएंगे, तुमको जहां से क्वेश्चन करने का मन हो तुम स्वतंत्र हो क्वेश्चन करने के, बस थोड़ा पहले कुछ पढ़ लें उसके बाद उस पर हम काम करें। चलिए लिखिए तो लास्ट बात इसका, नंबर कौन सा होगा, 4। देखिए इट गिव्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख दीजिएगा VVI। इट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, जिस तरीके से किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, उसी तरह से सब ऑर्बिट में भी अपनी एनर्जी होती है। जैसे आप याद कीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता था उसका एनर्जी सबसे कम हुआ करता था, सेकंड में जो रहता था उसका एनर्जी उससे ज्यादा, थर्ड में जो होता था उसका एनर्जी उससे ज्यादा, इसी तरह से जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। ठीक इसी प्रकार यदि हम डिफरेंट सब ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी का क्या ट्रेंड है, या वो कैसे हम ऑर्डर उसका निकालेंगे, आप इसको समझिए। देखो लिखो तो अपनी चेहरे देखें, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, यहां पर एन क्या है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन क्या हुआ रे, हल्ला किया जा रहा है, देखो तो सॉरी, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन एज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहां द छूट गया था इसीलिए परेशान था क्या, इसमें परेशान होने की क्या बात, तो सही कर लीजिए, इतना छोटा छोटा चीज पर आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा यदि रहेगी तो आप साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। अरे छूट गया तो उसको सही कर लीजिए, क्या दिक्कत, हमको लगता है बोलने वक्त बोले थे खाली लिखने वक्त छूट गया था। एज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। इधर देखिए 4s 4p 4d 4f, हम कुछ एग्जांपल आपको समझा रहे हैं सब ऑर्बिट का। आप ये बताइए कि क्या s एक ही जगह होता है, s सब ऑर्बिट तो फर्स्ट सेल में भी होता है, सेकंड सेल में भी होता है, थर्ड सेल में भी होता है, तो आप चाहेंगे ना कि डायरेक्ट हम s का एनर्जी निकाल लें तो ये बहुत सही नहीं है। आपको वहां पर यह बोलना पड़ेगा कि आप 1s के एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप 2s के एनर्जी की बात कर रहे हैं, या 3s के एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, आप एक चीज देखो हर जगह n का, पहले आप ये बताइए कि 4d का मतलब क्या है, 4d का मतलब है फोर्थ ऑर्बिट का ई सब ऑर्बिट, 4f का क्या मतलब है, फोर्थ ऑर्बिट का एफ सब ऑर्बिट। आप एक चीज देखिए, ये जो जितना भी सब ऑर्बिट यहाँ लिया गया है इस सब में n का वैल्यू कांस्टेंट दिख रहा है आपको, हर जगह n का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। L का वैल्यू s के लिए, l का वैल्यू 0, p के लिए और f के लिए 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n कांस्टेंट है,
जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है। यदि एन का वैल्यू कांस्टेंट हो और एल का वैल्यू बढ़े तो उसकी इनर्जी भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इनर्जी वाला जो सब ऑर्बिट होगा वो होगा 4f, उससे कम इनर्जी वाला होगा 4d, उससे कम 4p और सबसे कम 4s। तो इसमें इनर्जी का जो ऑर्डर आप लगाएंगे वो ये। और जो बात अभी आप सीख रहे हैं उसकी क्या जरूरत है आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप आगे कहा देखिए, एक एक चीज को यदि ढंग से नहीं पढ़ोगे बाद में लफड़ा हो जाए। आप लोग प्लीज आपस में बात मत कीजिए। अरे तुम दोनों बात क्या करते हो, बीच में डिस्टर्ब होता है, सिंपल अर्थात कंसंट्रेट रखना पड़ता है पढ़ाने के लिए। सुनिए, अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम बताते हैं। हो गया। कैल्सियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। देखिए आप क्यों सीख रहे हैं ये सब चीज। इसका सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो 1s2 2s2 2p6 करके लिखते हैं ना, उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। 1s2 2s2 2p6 बताइए तो आगे क्या लिखें। हम सुने इधर, हमको ही नहीं पता क्या होता है, आप हमको बताइए कि क्या होगा आगे। अभी आप समझ पाएंगे कि जो आप जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। 3s2 3p6 आगे 4s2 आगे भी कुछ लिखेंगे या हो गया। चलो ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 एकदम सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। घबराइए नहीं, जिनको आता है अच्छा है, जिनको नहीं आता है बहुत अच्छा है, आगे सीखेंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सब आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है भाई, अभी आपको नहीं बताया है। हम इसलिए भी ये एग्जाम्पल ले लिए थे ताकि जो कुछ लोग जानते हैं उन्हीं से उन चीजों को थोड़ा सही किया जा सके। अब आप एक बात बताओ, पहला में s होता है तो आपने लिखा 1s, दूसरा में s भी होता है p भी होता है तो आपने लिखा 2s एंड 2p, तीसरा में तो तीन चीज होता है ना जी, 3s 3p 3d, तो आप 3s लिखे 3p लिखे, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आप 3d क्यों नहीं लिखे? 3d से पहले 4s क्यों लिख दिए? और छोड़िए आगे, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, हम बता देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आप ये बताइए कि 3s2 3p6 के बाद 3d1 पहले क्यों नहीं आया? और 3d यदि हम लिखते, 3d यदि हम लिखते ना तो 4s की जरूरत ही नहीं पड़ती, बताइए क्यों? बताइए क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां तक में देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तक लिख चुके, अब यदि आप 3d लिखते तो d की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 10। कल ही ने बताया गया था s का 2, e का 6, d का 10, तो बताइए d लिखते तो डायरेक्ट d3 कर देते, लेकिन वो गलत हो जाता, ये सही है। इसके पीछे का कोई आदमी कारण बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, इसके पीछे का कारण है इनर्जी ऑर्डर। एक्चुअल में आगे चल के जब आप अवाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ना है आपको इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें बताया गया है कि किसी भी एटम के सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सब ऑर्बिट के इनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होता है। मतलब जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें बढ़ेगा, फिर वो जब पूरा भर जाएगा तो अगला इनर्जी लेवल जो होगा सब ऑर्बिट का उसमें जाएगा। तो उस इनर्जी ऑर्डर में आप देखिएगा कि 4s की इनर्जी कम होती है और 3d की इनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन अभी ये बात उतना फ्रेश समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बोले, बस 2-3 मिनट पढ़िए तो आप इस टॉपिक पर आ जाइए, इसको नहीं उतारना। चलो देखो इधर, अभी आपने देखा कि 4s 4p 4d 4f ऐसा था, तो n का वैल्यू कांस्टेंट था और l का वैल्यू बढ़ रहा था, तो हमने क्या कहा कि 4f का एनर्जी ज्यादा होगा, 4d का उससे कम होगा, 4p का उससे कम होगा और 4s का सबसे कम होगा। लेकिन यदि बीच बीच से कह दे
घुमा घुमा के कि 6s और 5p में किसका ज्यादा होगा, 4f और 5s में किसका ज्यादा होगा। आप यकीन मानिए आप यहाँ पर फंस जाएंगे। यहाँ पर सब ऑर्बिट में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे इन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ और बात समझना पड़ेगा। देखिए तो नोट करके, देखेंगे कैसे लिखिए, लिखो तो एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट, लिखे तो एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन टू क्वांटम नंबर। एजीमुथल एंड प्रिंसिपल, ये जो सब ऑर्बिट का एनर्जी होता है ये दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। किस किस पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और एनर्जी निकालने का तरीका होता है एन प्लस एल। और नीचे लिख देंगे हायर एन प्लस एल वैल्यू हैविंग हायर एनर्जी। मतलब ये कि आप एन प्लस एल का मान निकाल लीजिए, जिसके एन प्लस एल का मान ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसके एन प्लस एल का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि 4s और 6p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा किसका कम, सबसे पहले हम 4s का मतलब समझ लें और 6p का मतलब समझ लें। बताइए 4s का मतलब फोर्थ ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट और 6p का मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट का पी सब ऑर्बिट। अब बताइए इसके लिए एन का वैल्यू कितना, इसके लिए एन का वैल्यू कितना 4, एल का वैल्यू दोनों का सम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 4, इसके लिए एन का वैल्यू और एल का वैल्यू 1, दोनों का निकाल लीजिए जोड़ के कितना 7। तो बताइए हायर एन प्लस एल किसका, 6p का। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 6p की एनर्जी ज्यादा होगी और 4s की एनर्जी कम होगी। ये एनर्जी का ऑर्डर है और एनर्जी ऑर्डर आपको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल दें तो कर लोगे? चलो एक और निकालो तो अपने से। इस सेट का निकाले तो किसका एनर्जी ज्यादा किसका एनर्जी कम, आप एन प्लस एल वैल्यू निकाल लीजिए, एन प्लस एल वैल्यू से पता चल जाएगा जिसका ज्यादा हो उस ज्यादा कर देना और जिसका कम उसको कम कर देना। यहाँ पर n प्लस एल निकालेंगे तो 5 + 1 = 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 4 + 3 ना जी 7, किसका ज़्यादा होगा 4f का। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 5p का कम होगा और 4f का ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल निकालिए तो
लिख लिए क्या आप? लिख लिए तो निकाल लीजिए, हम ये एग्जांपल देना नहीं चाह रहे थे, कुछ और देना चाह रहे थे, खैर निकाल लीजिए। इसका ज्यादा होगा 5p का, ये हो जाएगा 3 + 2 = 5 और ये हो जाएगा 5 + 1 = 6, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 5p का ज्यादा होगा। चलिए एक लास्ट 4f, इसका निकालिए। तो यहां पर कुछ अलग बात मिल रहा है क्या? क्या अलग है? यहां पर दो डिफरेंट सब ऑर्बिट का n प्लस l वैल्यू सेम आ गया, यहां पर आप 4 + 3 करेंगे कितना जाएगा 7 और यहां 5 + 2 करेंगे कितना जाएगा। सुनिएगा, ऐसी स्थिति में क्या करना है? यदि दो डिफरेंट, देखिए हम हर एक केस पर बात कर रहे हैं, सुनिए हम सब ऑर्बिट के n प्लस l वैल्यू के हर एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हमने पहली बार क्या किया, n को कांस्टेंट करके l के मान को बढ़ाया। दूसरी बार हमने क्या किया कि n प्लस l एनर्जी रूल निकाल के देखे कि किसका ज्यादा किसका कम। उस पर अब क्या देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर। यदि बराबर हो रहा है तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इफ टू डिफरेंट सब ऑर्बिट हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l देन हायर n वैल्यू हैविंग हायर एनर्जी, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो किसका n ज्यादा है? 5d का ज्यादा है, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि इसका एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये केस अब ये जो अभी आप पढ़े हैं ये लिखे नहीं है आप इसके बारे में, तो आप लिख लीजिए नीचे रो दे लिखेंगे, और यदि लिख लिए तो इसको लिख दो नीचे में, नोट करके लिख देना ठीक है, नहीं तो फिर एरो देके पहले लिख लो। लिखाओ, लिखेंगे इफ टू डिफरेंट सब ऑर्बिट, इफ टू डिफरेंट सब ऑर्बिट हैव सेम वैल्यू ऑफ, इफ टू डिफरेंट सब ऑर्बिट हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, ऐसे इफ टू डिफरेंट सब ऑर्बिट हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l then higher n value then higher n having higher energy, then higher n having higher energy, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी। इस तरह का एक केस तुम अपने से बनाओ, एक ऐसा क्वेश्चन लो तो जहां पर n प्लस l दोनों का मैच कर जाए। नहीं समझे हम क्या बोले? हम यहां पर अभी तक क्या कर रहे थे कि सब ऑर्बिट हम दे न देते थे कि बताओ किसका एनर्जी ज्यादा किसका कम। हम तुमको कह रहे हैं कि तुम दो ऐसा सब ऑर्बिट लो जिसका n प्लस l इक्वल हो और वहां बताओ तो किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है। अपने से एग्जाम्पल लीजिए, तब थोड़ा मथा पर जोर पड़ेगा। ऐसे तो हम लिखते रहेंगे तो आपको ईजी लगता रहेगा हर चीज। एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइए जिसके n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो, 5f ठीक है। देखिए क्या बोले हैं, फिर से बोलिए, 5f 6d ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 6d की एनर्जी ज्यादा होगी 5f की कम होगी। क्लियर है ये? क्या दिक्कत हो गया क्या? चलो देखो इधर, चलो ध्यान दो यहाँ सबसे, ये तुम्हारा काम घर से करके लाना है। अभी थोड़ा इधर देखो, सबसे पहला ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट होता है,
एस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन एस। दूसरा में टू एस टू पी। तीसरा में पहले ये बताइए कितना सब ऑर्बिट होता है, तीन कौन कौन, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। चौथा में फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ, ये लास्ट बात है आज का। पांचवा में फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ फाइव जी। रंग बिरंग का लिखेंगे हम, सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ सिक्स जी सिक्स एच, एक होता है आई लास्ट में। सेवन एस सेवन पी सेवन डी सेवन एफ सेवन जी सेवन एच और सेवन आई। अब बताइए जितना भी पॉसिबल सब ऑर्बिट था सब हम लिख चुके हैं, कितना सब ऑर्बिट लिखा जा चुका है बताइए तो, सात इसमें छ इसमें सात छ तेरह पांच इसमें अठारह चार इसमें बाईस इन पच्चीस अट्ठाईस, टोटल अट्ठाईस को लिखाया। अब यदि हम आपको बोलें कि आप होमवर्क एक करके लाइए घर से, आप एक काम करके ला सकते हैं क्या, इस पर जिसका एनर्जी सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिखना है, उससे ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसको लिखना है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी जिसकी होगी उसको लिखना है। आप ये पहले बताइए कि क्या लगता है आपको कि आप एक ट्रेंड में चलते चले जाएंगे तो एनर्जी मिल जाएगा। देखो तो इधर सबसे कम एनर्जी वन एस की, फिर टू एस की, फिर टू पी की, फिर थ्री एस की, फिर थ्री पी की, फिर यहां से आप गड़बड़ाइएगा, अब यहाँ थ्री डी नहीं आएगा, यहाँ थ्री डी से पहले कौन आएगा, फोर एस। देखो कैसे, यदि आप थ्री डी और फोर एस की बात करते हैं तो एन प्लस एल निकालो इसका। देखो सब ऑर्बिट के एनर्जी को निकालने के लिए ना आप हमेशा एन प्लस एल का यूज कीजिए, टी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है दो, तो तीन प्लस दो करेंगे तो हो जाएगा पांच और फोर प्लस जीरो करेंगे तो हो जाएगा फोर, किसका एनर्जी ज्यादा है, थ्री डी का, थ्री डी का ज्यादा है और फोर एस का कम है। तो ऐसी स्थिति में 3p के बाद आप 3d लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा 4s, और 4s के बाद आपको लिखना पड़ेगा 3d, 3d के बाद आपको लिखना पड़ेगा 4p, 4p के बाद आपको लिखना पड़ेगा 5s, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक एनर्जी का ऑर्डर निकल जाएगा, किसके किसका, सब ऑर्बिट का। अब इसको लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऑर्डर निकाल लें वो भी बिना जोड़े एकदम एक ट्रिक पर, तो वो ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले 1s फिर 2s, आपको इस ये वाला ऑर्डर पकड़ना, हो सकता है कि 9 10th में आपको टीचर कुछ ऐसा बताए हो लेकिन वहां पर n प्लस l वगैरह नहीं समझते थे, वहां पर खाली करते थे ये होगा वो ना होगा वो ना हो जाएगा ये ना हो जाएगा, वैसे नहीं होता। अब देखिए तो जरा इधर देखिए सब लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में, 1s के बाद 1s, 1s के बाद इधर से नहीं चलना, इधर से पीछे से चलना, 1s के बाद 2s, देखो 1s के बाद 2s है, 2s के बाद इधर से चलिए 2p, फिर 3s, 3s के बाद फिर पीछे से चलिए 3p, 3p के बाद क्या आया, 3p के बाद 4s, 4s के बाद पीछे से आइए देखो 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद, तो यहां से पता चला 5s के बाद होगा 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7, इतने में आपका काम चल जाएगा। अब इधर सुनो कॉन्फ़िगरेशन, यदि तुम ये चीज समझ गए हो तो यकीन मानो किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर 80 पता है किसका होता है, मरकरी का, एच जी। आपको यदि हम बोले कि कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका सब ऑर्बिट वाइज तो कितना आसान है, अब इस बात को समझो, एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में मैक्सिमम छः, डी में मैक्सिमम दस और एफ में मैक्सिमम 14,
इससे भेंट होता चला जाए उसमें उतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालते चले जाइए और बाद में 80 गिन लीजिएगा। जैसे देखो 2s है तो 2, s है तो 2, p है तो 8, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, 4f, f में 14, 5d में हो गया। बस इतने तक में आपका एच जी आ जाएगा। आप गिन के देखिए, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 36, 38, 48, 54, 56, 56 और 14, 70 और 10, कितना हो गया 80। बताइए एच जी का कन्फिग्रेशन आ गया कि नहीं। तो ये टॉपिक हमारा कन्फिग्रेशन नहीं है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप ये सब यदि जानते हैं तो आपको कन्फिग्रेशन लिखने में दिक्कत होगा नहीं। क्या करोगे इसको? उतारेंगे आज या कल? इसको कल उतारना। ये समझ में आया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये पढ़ा रहे थे? इधर एक लास्ट बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर यहीं पर खत्म हो गया। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि क्वांटम नंबर चार तरह का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट की जानकारी देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब ऑर्बिट की जानकारी देता है। अब समझ में आया कि ऑर्बिट और सब ऑर्बिट की जानकारी कैसे दिया। अब तीसरा टर्म आता है ऑर्बिटल, आप कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। कल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा, कल पहले हम लोग आएंगे तो इसको आप उतारिएगा पहले, नहीं तो एक काम कीजिए ना, घर से करके लाइएगा। आप एक बार घर से करके लाइएगा, हम इसको कल डिस्प्ले कर देंगे, हम अभी इसको सेव कर दे रहे हैं, तो एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है? इसमें आप लिख दीजिएगा एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब ऑर्बिट। मोबाइल है पास में, फोटो खींच लो। फोटो खींच लो, गलत नहीं होगा। हालांकि यहां से ऑप्शन है कि इसको डायरेक्ट शेयर कर दिया जाए, एक्सपोर्ट करके शेयर हो जाता है, फिर आप सबका एक एक करके व्हाट्सएप नंबर लेना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं। टेलीग्राम पे किया जा सकता है। यहां से पहले फाइल सेव होगा, फिर वहां जाएगा। ले लीजिए ना, फोटो ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चमक जाता है। अरे नजदीक जाके लो, अब लो नहीं चमकेगा। चलिए आज का क्लास बस यहीं तक।